हमारी फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं जंगलों के बीच काफ़ी खूबसूरत रोमांचक सफ़र गाइस। और कम बजट में दोस्तों अगर आपको आना है घूमने तो 10 रुपये में करिए आप 100 किलोमीटर का सफ़र। उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले का छोटा सा मीटर गज स्टेशन है गाइस। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाली है और आज हम आपको यात्रा कराएंगे दोस्तों जंगलों के बीच और दिखाने वाले हैं काफ़ी सारे जानवर। तो फाइनली गाइस हम ट्रेन का वेट करते हैं गाइस। ट्रेन हमारी फाइनली स्टेशन पर आ चुकी है गाइस। मीटर गज ट्रेन है दोस्तों YDMU 4 का डीजल सेट, जो करीब 130 साल से इस सफ़र कर रही है गाइस, आप देख सकते हैं। और गाइस फाइनली हमारी कुछ छोटी लाइन की ट्रेन ऐसी है, आप देख सकते हैं गाइस ट्रेन हमारी यहाँ पर रुक चुकी है। फाइनली चलते हैं अंदर दोस्तों। ट्रेन हमारी निकल चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं। और हम दोस्तों बैठे हैं सबसे ऊपर वाली सीट पे और नीचे आप देख सकते हैं सारा सीट खाली है, बट ऊपर बैठे की ऊपर से काफ़ी सारा हवा लगेगा गाइस। और बहुत ही बेहतरीन सफ़र है दोस्तों जंगलों के बीच, काफ़ी कम बजट में आप आ सकते हैं। सिर्फ 10 रुपये जंगलों के बीच आप ये सफ़र तय कर सकते हैं, जो कि आप दुआ से बिछिया दुधवा नेशनल पार्क के जंगल से उतर हमारी ट्रेन निकलने वाली है गाइस। और बहुत ही बेहतरीन सफ़र होने वाला है गाइस, देख सकते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का पंखा दोस्तों, देख सकते हैं उसी पुराने ज़माने का ये सब पंखा है। और गाइस आप देख सकते हैं उसी ज़माने का ये बैठने का सीट है, जो कि पूरी तरह से लकड़ी का है। और कुछ ऐसा सेक्शन है दोस्तों हमारे लगे ट्रेन का, खाली हाथ के बच्चे और पहली गाड़ी हमारी ट्रेन निकल सकते हैं।
है फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन हमारी यहाँ से डिपार्चर होने वाली है और छोटा सा एक स्टेशन है ककहाँ रेस्ट हाउस, यहीं पे ट्रेन हमारी रुकी हुई थी। और दोस्त आगे का सफ़र होने वाला है काफ़ी खूबसूरत जंगलों के बीच होकर हमारी ट्रेन जाने वाली है, काफ़ी ख़तरनाक जंगल। और ट्रेन हमारी यहाँ से छोटे से स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है। दोस्तों आपने देखा काफ़ी छोटा सा स्टेशन था ककराहा रेस्ट हाउस, और दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक घने जंगलों के बीच ये स्टेशन है। आप सोच सकते हैं दोस्तों रात को शाम को यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं देता होगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ काफ़ी ख़तरनाक जंगल है, बहुत घना ही जंगल है दोस्तों। और धीरे धीरे ट्रेन हमारी आगे डिपार्चर हो रही है दोस्तों, और आगे दोस्तों आपको अगर किस्मत अच्छी रही तो मिलेंगे काफ़ी सारे जानवर। कहीं कभी कभी जानवर दिख जाते हैं गाइज, आप देख सकते हैं मैंने कई बार देखा है, बट चलती ट्रेन से उतना क्लियर नहीं आता है। बट दोस्तों इसके किनारे दोस्तों शेर हुआ चाहे जंगली हाथी, काफ़ी सारे जानवर खड़े रहते हैं गाइज, बट कभी कभी दिखते हैं और आप देखते रहेगा दोस्तों कभी दिख भी जाते हैं शेर वगैरह।
सकते हैं गाइस, चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ और पानी ही पानी दिखाई देने वाला है गाइस। आप देख सकते हैं दोस्तों, सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ यहाँ पर बारिश ही बारिश का पानी है। और गाइस ट्रेन हमारी पहुँचने वाली है मजरा स्टेशन पर, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है दोस्तों मजरा स्टेशन पे, देख सकते हैं दोस्तों एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जंगलों के बीच, खूबसूरत हरा भरा वादियों के बीच है दोस्तों। आप देख सकते हैं गाइस मजरा पूरा, और काफ़ी अच्छे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अशोक के काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं। और दोस्तों पानी अगर पीना है आपको तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं और यहाँ से भी पी सकते हैं गाइस। और ट्रेन हमारी फाइनली यहाँ पर पीने वाली है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोकन जो है चेंज होने वाला है, और ड्राइवर ने टोकन चेंज कर दिया है गाइस। फाइनली गाइस हमारी ट्रेन यहाँ पर फाइनली धीरे धीरे पहुँच रही है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये ऐसा है कुछ दोस्तों मजरा पूरा रेलवे स्टेशन, और बैठने के लिए यही काफ़ी दोस्तों देख सकते हैं बंदर। और फाइनली गाड़ी ट्रेन हमारी यहाँ पर स्टॉप हो गई है दोस्तों। एक भी सवारी नहीं है स्टेशन पर, और फिर भी दोस्तों हमारी ट्रेन यहाँ पर जंगलों के बीच रुकी हुई है मीटर गेज की।